Assalamu alaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to make a session of MCQs past papers of Community Health Nursing second semester. So let's start the video. MCQs number one is the American Nursing Association defined in 1986 as the synthesis of nursing practice and public health practice applied to promoting and preserving the health of population. So this is the definition of what? Community health nursing, public health nursing, and hospital-based nursing. So this is the definition of community health nursing. Basically, community health mein jitne bhi MCQs aate hain, zyada definition based hote hain. So must memorize the definitions. Screening for STDs is an example of. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके लिए जब स्क्रीनिंग की जाती है तो ये जो है कौन सा मेथड है प्रिवेंशन का, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी प्रिवेंशन है या टर्शरी प्रिवेंशन. सो स्क्रीनिंग जो होती है फॉर, चाहे वो एसटीडीज के लिए हो और मेमोग्राफी के लिए हो, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हो, सो दिस इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन. इम्यूनाइजेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन आर एग्जाम्पल ऑफ. हम जो पहले से इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, इम्यूनाइजेशन हम करते हैं ताकि डिजीज़ से प्रिवेंट, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं पहले से ही. और वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं ताकि वाटर से कोई डिजीज़ कॉलर वगैरह ना हो. सो दिस इज़ द व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी. सो दिस इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ. बेसिकली जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो कि हम डिजीज़ होने से पहले प्रिवेंशन के लिए करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन हम करते हैं जो कि हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, एंड टर्शरी प्रिवेंशन आफ्टर द डिजीज़ के बाद जो हम करते हैं टू नॉर्मल उसमें फंक्शन मिलाने के लिए, उसे हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ. फोर डायमेंशन क्या है हेल्थ की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल. सो हेल्थ जो है बेसिकली फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ, सोशल एंड स्पिरिचुअल. ये चार जो है ये सबसे पहले आता है, फिजिकल, फिर मेंटल, फिर सोशल एंड स्पिरिचुअल. सो स्पिरिचुअल इज द फोर डायमेंशन ऑफ हेल्थ. इनकरेजिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन एक्स एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी. रेगुलर एक्सरसाइज को हम अगर किसी को इंकरेज करें कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर एक्सरसाइज हम किससे करते हैं ताकि हम बहुत सी सारी डिजीजेस से प्रिवेंटेबल हो और हमारी बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन कर सके. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. वेंटिलेशन कैन बी डिफाइंड एज, वेंटिलेशन जो होती है वो किसे कहते हैं, of populated air to a room building, the provision of stagnant air to a room building, the provision of fresh air to a room. Ventilation हम हवादार चीज़ को कहते हैं, यानी कि अगर हमारे रूम में कोई विंडो वगैरह है, सो दिस हमारा रूम अगर वेंटिलेटेड है, यानी कि अगर अंदर की जितनी भी जो अगर पोल्यूटेड एयर है तो वो बाहर जा सकती है एंड बाहर से फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सकती है, दिस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन. डिजीज दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, मलेरिया, नमोनिया, सो दिस इज कॉल्ड एंडेमिक. एंडेमिक जो होती है ये मतलब कुछ कुछ लोकेलिटी तक जो है महदूद होती हैं, यानी कि लोकल एरियाज में होती हैं, जबकि एपिडेमिक जो होती है ये थोड़े से ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि कंट्रीज लेवल पे अगर हम ले लें कि किसी एक कंट्री में, यानी जैसे कि अफ्रीका में अगर कोई बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो हम इसे एपिडेमिक कहते हैं. एपिडेमिक से फिर अगर एपिडेमिक जो है अगर वो वर्ल्ड वाइड और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है तो देन ये पेंडेमिक में चेंज हो जाती है. थ्री इज प्रेजेंटेड बाय होम, एडवर्ड जीनर, लुइस पास्चर एंड जॉन स्नो. सो दिस इज लुइस पास्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट. एयर पोल्यूटेंट क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज द गैस जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट हाउ मैनी पीपल ऑन अर्थ डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो एस्टिमेट लगाया कि हमारे अर्थ में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिल पाता, 1 out of 100, 1 out of 50, 1 out of 20, 1 out of 6. तो 1 out of 6 यानी कि 6 लोगों में हर एक ऐसा बंदा होता है जिसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिल पाता. अलमाता डिक्लेरेशन फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज प्रेजेंटेड बाई WHO. इन अलमाता डिक्लेरेशन जो है
ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जो अलमेदा डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया गया था, WHO ने प्रेजेंट किया था, ये कब किया था? 1970। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हर बार रिपीट होता रहता है। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग कोड ऑफ एथिक, व्हेन वर्किंग एज अ नर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कम अप बिटवीन योर क्लाइंट नीड्स एंड व्हाट द फैमिली नीड और द हॉस्पिटल पॉलिसी, योर फर्स्ट लॉयलिटी इज टू। अगर हम अगर नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर नर्स है और उसका पेशेंट है और उसके पेशेंट के नीड्स अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आ रही हैं, तो नर्स जो है उसका क्या रोल होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट का साथ देगी या हॉस्पिटल का साथ देगी? तो उसकी अपनी फर्स्ट लॉयलिटी जो है वो टूवर्ड्स क्लाइंट होनी चाहिए। हॉस्पिटल इज़ क्लासिफाइड एज व्हाट लेवल ऑफ फैसिलिटी, हॉस्पिटल जो है ये किस तरह की फैसिलिटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं बड़े बड़े, ये सारे थर्ड टर्शरी फैसिलिटीज़ होती हैं। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का करंट जनरल कौन है? युकिया एमोन, डॉक्टर मार्गरेट चैन, बेन की मून, गाय रेडर। सो डॉक्टर मार्गरेट चैन जो होते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 2020 में अपॉइंटेड हो चुके हैं फॉर द एस ए डायरेक्टर। WHO World Health Organization was established की गई है on 7th April 1948. This is also very important MCQs. The most serious environmental effect posed by hazardous waste is, यानी कि hazardous waste जो होता है environment पे उसका कौन सा ऐसा serious effect होता है? Air pollution cause करता है, contamination होती है ग्राउंड वाटर की, increased use of land for landfills. सो जो भी हम कूड़ा क्रिकेट जो है वो फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। विच ऑफ द मटेरियल अकाउंट फॉर द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड जितना भी वेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मटीरियल होता है? फूड वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, वुड। सो पेपर वेस्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। Smog is a natural phenomenon, combination of smog is the combination of smoke and fog. Ancient method of food preservation include, ancient method जो थे food preservation के उसमें क्या क्या include था? Drying, smoking and fermentation जो है ये जो है ancient food preservation method से, जैसे कि जो vegetables वगैरह वो dry की जाती थी या fermentation की जाती थी, जो अचार वगैरह बनाया जाता था। Those at greatest risk for foodborne illness include, foodborne illness जो है उसके रिस्क पे कौन कौन से लोग ज़्यादा होते हैं? प्रेगनेंट वुमेन्स, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, इम्यूनोसप्रेस्ड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। सैल्मोनेला बैक्टीरिया आर यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू रॉ मीट, पोल्ट्री एंड एग्स, पिकल्ड वेजिटेबल्स, होम कैन वेजिटेबल्स। रॉ मीट एंड पोल्ट्री एग्स जो वगैरह जो हैं, इससे सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है ये यहाँ से यूजुअली स्प्रेड होता है। ये ज़्यादातर जो हमारी जितना भी एनिमल फूड होता है उसमें होता है। विच लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इज़ द यूजुअल पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ क्लाइंट इनटू अ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी कि क्लाइंट जो होता है किस स्टेप पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एंटर होता है, उसका फर्स्ट कॉन्टेंट जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ होता है। आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विद मीजल फ्रॉम अदर क्लास फेलो बिलोंग टू विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगर हम किसी एक जो चाइल्ड है उसे मीजल्स हुआ है और हम उसे दूसरी क्लास फेलो से आइसोलेशन में रख रहे हैं, सो ये कौन सी प्रिवेंशन है? दिस इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन। वॉट इज़ द लीगल बेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, लीगल बेसिस क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच का? प्रेजिडेंशियल डिक्लेरेशन, अलमेदा डिक्लेरेशन प्रेजेंटेड बाई WHO फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर लीगल बेसिस के लिए। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity is defined kiya gaya hai by, this is the definition by of health by WHO. What would you tell a mother who refused to immunize her baby? Agar koi ek mother hai wo apni baby ko immunize nahi karna cha rahi hai to hum unhe kya kahenge? Immunization is okay for your baby, vaccines are expensive, you get it free. It is up to you if your baby gets sick, vaccine will prevent disease. तो हम उन्हें काउंसिल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस वैक्सीन से, इस इम्यूनाइजेशन से आपका बेबी जो है वो कई सारी डिजीज़ से प्रिवेंटेबल हो सकता है। What is the focus of secondary health care? सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? अर्ली माल न्यूट्रिशन, अर्ली साइन सिम्टम, अर्ली डायग्नोसिस। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम इम्यूनाइजेशन वगैरह करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Holistic concept encompasses which of the following? Holistic concept जो होता है
इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ पे, ओवरऑल एस्पेक्ट। सो होलिस्टिक जो हेल्थ होती है इसे हम कहते हैं हेड टू टो अप्रोच जो हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक। द अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ दैट विल परमिट ईच इंडिविजुअल टू लीड अ सोशल इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। प्रिवेंशन हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ, तो द अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट ईच इंडिविजुअल टू लीड अ सोशल इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ इज हेल्थ। हेल्थ इज व्यूड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। सो ये कौन सा कंसेप्ट है, बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोसोशल कंसेप्ट? दिस इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन रीजन कंसिडर नॉर्मल फॉर ह्यूमन बींग। अगर कोई ऐसा इंसान है कि वो जो एक्टिविटी नॉर्मल ह्यूमन बींग परफॉर्म कर सकते हैं उस रेंज में वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो यह मतलब है कि उसे वो डिसएबल है। इट इज़ कम्बाइंड एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन एबिलिटी। अगर हम कोऑर्डिनेशन करें, यानी कि इन अ कोऑर्डिनेशन में, कम्बाइंड कोऑर्डिनेशन में हम एक हाइएस्ट लेवल ऑफ जो हेल्थ केयर है वो दे रहे हैं, तो ये किस में आता है, हेल्थ रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी। सो रिहेबिलिटेशन में जो है हम हर तरह की जो है उसे वापस से उसके नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आते हैं। इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड इफिशेंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज डिफाइंड बाय एन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इन 1986। द पीरियड फ्रॉम 236 BC to 72 BC was a period of prosperity, disease prevention, hygiene practice were adopted. This was the era of King Ashoka. King Ashoka के era में जो है disease prevention, hygiene practices के बारे में काफ़ी चीज़ें adopt की गई थी। Ability to think clearly, reason objectively, well adjusted, free from internal conflict, having control over himself, herself, faces problem and solve them intelligently. So this is what dimension of health, physical dimension, mental dimension and social dimension. This is the mental dimension कि हम अपने mind से किसी problem को solve कर सकते हैं, उसे पहले जांच लें और फिर देखें कि हाँ किस तरह solve हो सकती है। Any facility where client reside can be sitting in which community health nursing is practiced, residential institution. For a long time and the most frequent use setting for community is, यानी कि बहुत काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक जो है community health nurse जो थी वो सिर्फ home based थी। The primary health care in the health care system is the dash as compared with other level of care, second and third level. तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है अगर हम सेकेंड एंड थर्ड लेवल हेल्थ केयर सिस्टम में देखें तो उससे ये बहुत ज़्यादा लेस कॉस्टली थी फॉर कम्युनिटी के लिए एंड द सिस्टम के लिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन करेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर विद इन अ टेरिटरी और जियोग्राफिकल बाउंड्री। बहुत सारे लोग अगर एक जियोग्राफिकल, एक ही जियोग्राफिकल बाउंड्री में रह रहे हैं और उनके डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ लिविंग सेम है, उनके करेक्टरिस्टिक कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो ये जो है कम्युनिटी होती है। डैश इज जैसे कि हम कहते हैं कि ज्यूइश कम्युनिटी हो गई या फिर सिख कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई या फिर नर्सिंग कम्युनिटी हो गई। सो दे इनके करेक्टरिस्टिक एंड ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं। डैश इज़ अ थियोरटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट। मॉडल इज़ अ थियोरटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी थियोरटिकल वे क्या होता है जिसे हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम बाई मॉडल हम प्रेजेंट करें सो उससे। हेड क्वार्टर ऑफ WHO जो है वो लोकेटेड है इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोक्साइड। वेयर डज म्यूनिसिपल वेस्ट कम फ्रॉम, म्यूनिसिपल वेस्ट कहाँ से आता है, हाउस होल्ड एंड लोकल काउंसिल से। वॉट इज द लीस्ट प्रेफरेबल वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, डिस्पोजल। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाई सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पार्टिकल पोल्यूटेंट, लंग्स। What color is photochemical smoke? Brown. Which is the driest inhabited continent on Earth? Earth पे जो driest inhabited continent है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सहराई इलाका है वो ऑस्ट्रेलिया है। Devolution Plan 2000 has given opportunity to which of the following?
रिवोल्यूशन ब्रांड 2000 जो है उसमें किन लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी दी गई, ब्यूरोक्रेट्स को, मार्जिनलाइज ग्रुप को, ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड पीपल को, रीनोन पॉलिटिशियन, तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स को. द लॉ पास बाय द गवर्नमेंट आर जनरली, गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास करती है तो वो क्या होता है, टू कंट्रोल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनविजिबल, हैव सेलेक्टिवली एप्लीकेबिलिटी, प्रवेसिव इन नेचर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए. मोटिवेशन इज अ डैश ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस. हाउसिंग अफेक्ट नेबरहुड, हाउसिंग जो अफेक्ट करती है नेबरहुड को, एनर्जी कंजम, वाटर, ऑल ऑफ द अबव. इन कम्युनिकेशन प्रोसेस डीकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स आर टुगेदर क्लासिफाई किया जाता है एज कम्युनिकेशन फंक्शंस होते हैं. एडिशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ क्लोरीन गैस इन टू फिल्टर वाटर इज नॉन एज क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन हम करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह को मारने के लिए. वट इज़ द पास थ्रू फिल्टर बेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल टू मूव स्मॉलर पार्टिकल ऑफ डस्ट, इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का ये मेथड है जिसमें सैंड से जो है ये वाटर पास किया जाता है ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सारे इसमें ट्रैप्ड हो जाए. मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट रिकमेंडेड बाय WHO ने, जो एंटीनेटल विजिट यानी कि विजिट का वो किया गया कि कितने विजिट होने चाहिए मिनिमम नंबर, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो 4 विजिट्स होने चाहिए. प्रिवेंशन फॉर डायरिया, एक्सेस करने टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव सैनिटेशन, गुड पर्सनल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉलरा, चिकन पॉक्स. कॉलरा इज द वाटर बोर्न डिजीजेस. द पैथोजन ऑफ द टाइफाइड इज डायरेक्ट ट्रांसमिटेड होता है थ्रू वाटर से. वॉट आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज जो होते हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. द हेल्थ सर्विसेज इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम में भी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शरी भी हो सकती है. लिस्ट 3 इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, पल्मोनरी, कार्डिक एंड वास्कुलर डिजीजेस कॉज करती हैं. लिस्ट 3 इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन दैट हार्म द इन्वायरमेंट, जो कि हार्म करती है एनवायरमेंट को, डिस्ट्रॉय करता है इकोसिस्टम को, एसिड रेन होती है एंड क्लाइमेट चेंजेस आती हैं. वट कैन यू डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करें, यूज़ लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम ज़्यादा यूज़ करें लो सल्फर कॉन्टेंट फ्यूल हम यूज़ करें, रिसाइकलिंग मैथड इस्तेमाल करें, ऑल ऑफ द अबव. विच क्राइटेरियन इज प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इज यूज ओनली इन कम्युनिटी हेल्थ केयर, मॉडिफेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड, मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, प्रिवेंशन पोटेंशियल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम. बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर 5 to 10 किल्स करता है बैक्टीरिया को, स्पोर्स को किल नहीं कर सकता. वाटर स्विमिंग पूल इज यूरिफाइड होता है बाई एडिंग क्लोरीन, और जितने भी स्विमिंग पूल वाले वाटर होते हैं उसे प्योरीफाई किया जाता है बाई एडिंग क्लोरिन. अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो है वो फर्मेंटेशन है. द फंक्शन ऑफ एनी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज. हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करे, मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट करे रिसोर्सेज का इनटू हेल्थ प्रोग्राम्स में, प्रोविजन करे हेल्थ सर्विसेज, तो ऑल ऑफ द अबव. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अल्लाह.